हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए जो जो सामग्री हमें चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चाहिए है वो है, तो सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए वो है बैंगन, टमाटर, प्याज, मटर, हरी मिर्च, अदरक और कुछ हमारे देसी मसाले। सबसे पहले मैंने गैस जला दी है, ये स्टैंड होगा वो मैंने रख दिया है, इसके ऊपर मैं ये अपना बैंगन रख दूंगी। इसको हम पहले भून लेंगे अच्छे से। सेफली आपको करना है, ज्यादा हो तो आप सिम में कर ले। और इसको पलटने के लिए अगर आप कुछ कपड़ा या फिर कुछ चिमटा होता है अगर आप उससे पलटना चाहें तो आप उससे पलट सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सारी तरफ से इसको अच्छे से भून लेना है। जब तक बैंगन भून रहा है तब तक मैं टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए बैंगन जो है दोनों हमारे अच्छे से भून गए हैं। ये देखिए आपको कैसे पता लगेगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए देखिए कितने सॉफ्ट हो गए। तो हमारे बैंगन अब भून गए हैं, अब इसके छिलके हम उतार लेंगे। तो ये हमारा जो बैंगन भून गए हैं इसे हम पानी, एक पतीले में मैंने पानी ले लिया है, अब हम उसको उसमें डाल देंगे। अब हम इसमें से पानी के अंदर ही आप इसके छिलके हटा दीजिए। ये मैं सारे छिलके हटा दूंगी इसके। थोड़ा गर्म होगा पानी के अंदर इसके जो छिलके होते हैं वो बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। ये देख सकते हैं आप कितने आराम से निकल रहे हैं। छिलके उतार दिए हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये अंदर से खराब तो नहीं है। ये देखिए तो ये बिल्कुल ही क्लीन है, मतलब इसके अंदर कोई खराबी नहीं है। ऐसे ही मैं अपना दूसरा वाला खोल के चेक कर लूंगी। ये भी बिल्कुल ही सही है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हम अपना रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। हींग ऐड कर दे रही हूं मैं। हींग ऐड करने के बाद अनियन, जो मैंने प्याज जो छोटे छोटे काट के रखे हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये जो प्याज मैंने काटे हैं उसे सारे ऐड कर देंगे। और इसे हमें थोड़ा डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज अब हमारे पिंक कलर के हो चुके हैं, पर हमें इसमें भरते के लिए डार्क ब्राउन कलर चाहिए होता है, तो हम जब तक उसका इंतजार करेंगे। बैंगन का भरता होता है उसमें जो प्याज का टेस्ट होता है वो बहुत ही
लगता है, छोटे छोटे प्याज बहुत ही अच्छे लगते हैं इसमें। तो इसमें बाकी सब्जियों के हिसाब से बैंगन के भरते में थोड़े जो प्याज है वो ज्यादा जाते हैं। तो इस मोड पे अब हम जो टमाटर अदरक हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था वो अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। स्वाद अनुसार आप नमक भी मिला दीजिए इसमें। हम एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर है ये। और ये हमने लाल मिर्च डाल दी है। ये मटर है, फ्रोजन मटर है। अगर आप नॉर्मल मटर यूज कर रहे हैं तो उसे पहले उबाल लीजिए और फिर इसमें डालिएगा। तो मैंने फ्रोजन मटर लिया, तो इस टाइम पे अब हम इसे ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। जो बैगन का भरता है उसे चेक करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया। और यहाँ देख सकते हैं आप, टमाटर जो है उसने अपना घी छोड़ दिया है। अब इस टाइम पे हमने ये जो बैगन का भरता मैश करके रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस है वो अभी मेरी सिम पे है, इसको मैं अच्छे से बैंगन के भरते को टमाटर के मिक्सचर के साथ अच्छे से मैश कर लूंगी, मिला लूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। तो आप ये देख सकते हैं हमारा बैंगन का भरता बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ। इसको गार्निश कर दिया है मैंने धनिया के साथ। तो ये देखिए हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।